क्योंकि मैंने इतने दिनों से ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थी खराब। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बड़ा ही अमेजिंग, खतरनाक, अच्छा, खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हम लोग आज 4-5 दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। कारण तो आपको मैं आगे बता ही दूंगा। तो आज का ब्लॉग मस्त होने वाला है, तो देखते रहिए प्लीज। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो गाइस, क्योंकि मैंने इतने दिनों से ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत थी खराब। सॉरी गाइस, तो मैंने इतने दिनों से ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि तबीयत में बुखार आ गया था, जुकाम आ गया था, सर दर्द कर रहा था, पेट दर्द कर रहा था, सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो बहुत मैं डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन ले ली। अभी फिलहाल तो ठीक है तबीयत मेरी, तो अभी जाकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आप सबको मैंने बहुत मिस किया, तबीयत बहुत खराब थी मेरी। तो अभी जाकर ओके हो गया पूरा। तो आज से हम लोग रेगुलर वीडियो शूट करने वाले, और आज से मैं एक टारगेट बना रहा हूँ कि हम लोग 40 दिन तक शॉर्ट्स बनाएंगे जिसमें मैं रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, जिससे कि आप लोगों को 40 दिनों के बाद रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। तो 40 दिनों तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा चैलेंज है। और इससे मैं रोज़ शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए और उस शॉर्ट्स को वायरल भी कर दीजिए, जिससे कि मुसलमान भाई जितने भी हैं उन्हें भी पता चले कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा है, जिससे कि क्या हो सकता है, हमें क्या मिलेगा। तो आप लोगों से वो शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए जो मैं कल से शुरू कर दूंगा, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिएगा। ऐसा ही आपको सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, और आपके लिए भी बहुत अच्छा सरप्राइज मैंने प्लान किया है, आगे मैं बता दूंगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी तो नमाज के लिए जाना है जुम्मा यार, तो चलिए तैयार होते नमाज के लिए निकलते। तो चलिए गाइस, नमाज के लिए जाना है तो कुर्ता लेकर आते हैं, अपनी वाइट फ्रेश कुर्ती लेकर आते हैं और उस पहनते हुए निकलते हैं नमाज के लिए। चेक दिस गाइस, मैं क्या लेकर आया हूँ, न्यू वाइट कुर्ता, क्या मस्त लग रहा है। तो अभी से पहनते हैं, रेडी होते हैं। आज का मतलब ड्रेस कोड क्या है, ब्लैक पैंट बनूंगा, व्हाइट कुर्ता हो गया अपना हमेशा का, और उस पर ब्लैक टोपी होगी तो बहुत खतरनाक दिखेगा, और व्हाइट अपनी क्रॉक्स तो है ही, बस मेरी आँखों में सुरमा लगाने के बाद तो खत्म ही बाय गाइस, बहुत किलर लगूंगा। तो चलिए रेडी होते, चेक दिस गाइस, कैसा लग रहा हूँ, व्हाइट कुर्ता असम लग रहा हूँ ना। तो अभी नमाज की टोपी तो मिल नहीं रही मुझे, उसे ढूंढते हैं, नमाज की टोपी लेते हैं, ब्लैक पैंट है, वाइट क्रॉक्स पहनते हैं और ब्लैक टोपी, तो निकलते हैं नमाज के लिए। नमाज के आने के बाद फिर से वीडियो शूट करते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ नमाज पढ़कर, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। अभी नमाज पढ़कर आया तो सर भी जो दर्द कर रहा था अभी शांत हो चुका है सर, और बॉडी भी थोड़ी पेन कर रही, तो अभी रिलैक्स हो चुकी है। अभी नमाज पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है ना, कुछ तो वर्ड है ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी चलिए कपड़े चेंज करते हैं और खाना खा के भी आते हैं, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, शायद पिताजी भी आ गए, मुझे बाहर जाना है थोड़ा। तो क्या करते हैं देखते, कपड़े चेंज करते हैं पहले। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ खाना खा कर, और अपने जो कपड़े मैंने जुम्मा को पहनता हूँ वो मैं चेंज करके आ चुका हूँ। तो अभी मज़ेदार वीडियो शूट करने वाले, क्या करेगा वीडियो में। तो गाइस, आप तो गुड न्यूज ये नहीं, क्योंकि हमारे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं गाइस, 600। पिछले थोड़े दिनों पहले हमने 500 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन किया था, अब हमारे 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और हमारे 600 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग आपको कुछ गिफ्ट देने वाले, तो आप अपने नाम और अपनी इंस्टा आईडी प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इंस्टा पर गिफ्ट सेंड कर दूंगा अपना।
तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे। तो प्लीज इंस्टाग्राम की आईडी सेंड कर दीजिए मुझे कमेंट में। और कल जाकर मैं हेयर कट करके आ गया, देखिए मेरा नया हेयर कट कैसा लगा। नया हेयर कट मेरा थोड़ा ठीक है, बाल थोड़े कम कर दिए इस बार, अगली बार बहुत अच्छे इससे बड़े रखेंगे। कैसा लग रहा हूँ गाइस, 4-5 दिनों के बाद हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। बीमार था, तबीयत खराब थी गए, तो वाट लग गई थी मेरी पूरी। अभी ठीक हूँ, अभी कर रहा हूँ शूटिंग, वैसे ही रोज करेंगे। अभी गैप थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा गैप पड़ गया, अभी रोज शूट करेंगे, रोज वीडियो अपलोड करेंगे। आप भी रोज तैयार रहिए मेरा वीडियो देखने के लिए। तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं, क्या दिखाऊंगा आपको, मैं आपको दिखा दूंगा मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके। तो अभी आपको मेरा वॉच टाइम में बढ़ रहा है, पहले 58 था 69 हो चुका है, तो फटाफट से बढ़ रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और 400 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, अपना चैनल मॉनिटर हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं ग्रेट की नमाज पढ़ कर मैं बाहर बैठा ही था, तब तक मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि उसमें कुछ घर में कुछ प्रोग्राम है, वहाँ पर खाने की दावत है, तो वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अम्मी अबू बाहर गए, वो जैसे आते हैं उनके परमिशन लेंगे और निकलेंगे दावत के लिए। अभी तो थोड़ा वेट करते हैं अम्मी अबू का आने का, तब तक मैं सुजल भाई को कॉल करता हूँ क्योंकि अपनी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो सुजल भाई को कॉल करते हैं, सुजल भाई को आने के लिए बोलते हैं। जैसे ही सुजल भाई आते हैं, अम्मी अबू को पूछते हैं, परमिशन लेते और निकलते हैं दावत के लिए। तो आपको भी दिखाऊंगा वहाँ की दावत कैसी होती। तो सुजल भाई को कॉल करते हैं। ठीक है, तो पिताजी तो आ गए, पिताजी ने परमिशन दे दी, थोड़ा डांट भी दिया। तो आज तो ये आखिरी मेरी बाहर खाने की दावत है, इसके आगे पिताजी नहीं छोड़ेंगे जाने के लिए कहीं पर। तो आज जाकर खाकर दावत खाकर आते आपको भी दिखाऊंगा। सुजल भाई भी आ रहे हैं, सुजल भाई को भी मैंने कॉल किया था, वो भी आ रहे हैं। तो तब तक हम लोग रेडी होते हैं। तो गाइस सुजल भाई आ चुके हैं, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, चलते हैं अभी।